हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सौरभ कंप्यूटर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम रिक्वायरमेंट 2022 सीएचओ की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये कुल 5000 पदों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन की जो वैकेंसी सीएचओ के लिए है वो 5000 पदों के लिए है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इस पोस्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें जो वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज आपकी 5000 है दोस्तों। इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी, पे स्केल, वो आपका 35,500 रुपये पर मंथ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश रहेगी। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की अभी डेट आई नहीं है दोस्तों। इसका अप्लाई करने का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। और बता दूँ दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट है वो मिनिमम नॉट एप्लीकेबल बताया गया है और मैक्सिमम 40 साल। और दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो डेट है अभी तक इसमें बताई नहीं है दोस्तों। इसमें फॉर्म अप्लाई करने की जो फीस है दोस्तों, वो जनरल एसटी एससी ओबीसी सबके लिए अभी 0 बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके वैकेंसी और क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। इसकी जो वैकेंसी है 5000 पदों के लिए दोस्तों, जिसमें 2000 पद यूआर वालों के लिए है, 500 पद एससी वालों के लिए है, 100 पद एसटी वालों के लिए है और 500 पद ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 1350। इसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की, इसमें आपका जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपसे मांगा गया है दोस्तों। आपका इसमें क्वालिफिकेशन जीएनएम होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी होना चाहिए आपके पास और नर्सिंग होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपका स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेंट होगा दोस्तों। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपके बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन का जो मार्क्स रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका जो मार्क्स रहेगा बीएससी का उसके ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। यह मेरिट ऑन मार्क्स है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।